तो फाइनली दोस्तों इतने लंबे इंतजार के बाद मिर्जापुर सीजन 3 से एक छोटी सी अपडेट निकल कर आ रही है। प्राइम वीडियोस पर कुछ सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। अमेज़न प्राइम इंडिया ने इन सब सीरीज का एक कंपाइलेशन डाला हुआ है और हर एक सीरीज की एक छोटी सी झलक बताई गई है। और में से दोस्तों एक सीरीज मिर्जापुर भी है और यकीन मानो यार इनमें से कई विजुअल्स तो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक चीज तो समझ में आ जाती है कि इस बार मैडनेस का लेवल एक लेवल ऊपर ही होने वाला है। तो हाँ यार मिर्जापुर सीजन 2 की पूरी पूरी एंडिंग और हाँ छोटा सा ही सही लेकिन इस पूरे सीन को हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि आखिरकार इन सीन से रिलेटेड क्या फैन थ्योरीज निकलती है सीजन 3 के लिए। तो बिना दो बात और ज्यादा किए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। अच्छा यार 5 सेकंड की उस क्लिप को ब्रेकडाउन करने से पहले हम सीजन 2 की एंडिंग में जो थोड़े बहुत इवेंट्स हुए थे उनको थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों टाइम इतना हो चुका है कि हम बहुत सी स्टोरीज और बहुत से इवेंट्स को भूल गए। तो मिर्जापुर सीजन 2 एपिसोड 10 के दौरान हमने ये देखा कि मकबूल अपना बदला लेने के लिए निकल चुका है क्योंकि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं बाऊजी ही, और अब वो अपनी माँ के बदले के लिए निकल चुका है बाऊजी को मारने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि बीना उसे रोक लेती और बाऊजी के कंटिन्यूस टॉर्चर को सहन करने के बाद यहाँ पर बीना कहती है कि वही इन सब का बदला लेगी, वही बाऊजी को मारने वाली है। वहीं पर दोस्तों इंस्पेक्टर मौर्या गुड्डू को अरेस्ट करने के लिए लाला के घर पर पहुंच जाता है और पुलिस शबनम को गन पॉइंट पर रखकर गुड्डू को अरेस्ट कर लेती है और उसे फोर्स करती है कि वो सरेंडर कर। नहीं तो आपको भी पता है यार गुड्डू भैया को अरेस्ट करना इतना आसान काम भी नहीं था। खैर गुड्डू को अरेस्ट करवाने में उसका पिता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है और कुछ ही समय बाद हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में ये कोई अरेस्ट या सरेंडर था ही नहीं, ये पूरी की पूरी प्लानिंग एक एनकाउंटर को अंजाम देने के लिए की जा रही थी। जैसा कि बाकी हिंदी फिल्मों में होता है कि एक हीरो को कोने में ले जाकर एनकाउंटर कर दिया जाता है, वही सेम स्ट्रेटेजी इंस्पेक्टर मौर्या ने भी फॉलो की थी। लेकिन यहाँ पर रमाकांत पंडित उसे पीछे से गोली मार देता है। गुड्डू की किस्मत एक बार फिर से साथ देती है और वो इस बार फिर से बच जाता। खैर यहाँ पर भरत त्यागी एके विजय वर्मा की फैमिली में भी बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगता है क्योंकि यहाँ पर सारे फायदे उठाने के बाद गोलू गुप्ता भी उसे धोखा दे देती है, उसे फ्रेंड जोन कर देती है। इसके बाद वाद विवाद की परिस्थिति कुछ इस तरीके से बिगड़ती है कि यहाँ पर छोटे त्यागी सीधा भगवान के पास जाते हैं, बड़े त्यागी यहाँ पर बच जाते हैं। अब दद्दा त्यागी और बड़े त्यागी के रेडार पर आ चुकी हैं गजगामिनी गुप्ता। इन द सेकंड डायमेंशन ऑफ द स्टोरी हम राजा को मुन्ना भैया पर अटैक करते हुए देखते हैं, लेकिन राजा यहाँ पर मुन्ना को मारने का जो अटेम्प्ट कर रहा था वो उसमें फेल हो जाता है और उल्टा वो ही मर जाता है। लेकिन जाते जाते राजा मुन्ना को ये बताते हैं कि उन्हें मारने के लिए कालीन भैया ने ही भेजा हुआ था। फिर क्या था, मुन्ना भैया है ही गरम खोपड़ी के इंसान, उन्होंने ये प्लान बताया सीधा शरद शुक्ला को और शरद शुक्ला ने यही का यही प्लान बता दिया कालीन भैया को। इसका मतलब कालीन भैया को ये पहले ही पता चल चुका था कि मुन्ना उसे मारने जल्द ही आ रहा है। अब शरद शुक्ला का तो दोस्तों यहाँ पर ये प्लान था कि दोनों बाप बेटे को वहीं के वहीं सड्डा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है गुड्डू भैया की और वहां से क्रॉस फायर होना भी चालू हो जाता है। मिर्जापुर सीरीज की जान मुन्ना भैया को हम उस स्क्रीन पर आखिरी बार देखते हैं क्योंकि इसके बाद गुड्डू भैया उसे मार देता है। वहीं यहाँ पर मुन्ना भैया की बॉडी होती है उसकी थोड़ी ही दूर पर कालीन भैया जिंदा जमीन पर पड़े हुए होते हैं और गुड्डू कालीन भैया को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी शरद एंग गैंग गुड्डू भैया पर हमला कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर फायरिंग नॉर्मल होती है तो हमें कालीन भैया कहीं भी नहीं दिखाई देते क्योंकि यहाँ पर शरद शुक्ला ने उसे रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आखिरकार शरद ने ऐसा किया ही क्यों। भाई शरद शुक्ला इंजीनियर था यार, उसने कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया ही होगा। तो भाई इन सब का पहला रीजन तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि सीजन 2 में ही सारी स्टोरी को खत्म किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक सीजन और एक्सटेंड करने के चक्कर में कालीन भैया को रेस्क्यू किया गया ताकि एक सीजन और एक्सटेंड किया जा सके। इसका एक रीजन और हो सकता है कि मुन्ना के उस फैसले से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था जहाँ पर उसने जौनपुर में ये बोलकर आया था कि मिर्जापुर पे शरद का हाथ रहेगा लेकिन जौनपुर पे मुन्ना भैया का हाथ रहेगा, मतलब दोनों इक्वल राज करने वाले। अब इस प्लान को अंजाम वो देने ही वाला था लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है गुड्डू भैया की और सारा का सारा प्लान बिगड़ जाता है। लेकिन अगेन यहाँ पर शरद शुक्ला अपना इंजीनियर वाला दिमाग लगाता है कि अगर कालीन भैया को वो वहीं के वहीं मार देता है तो मिर्जापुर की गद्दी लेने में उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद उसे गुड्डू से लड़ना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा टास्क है। बिना कालीन भैया के शायद शरद शुक्ला ने ये सोचा होगा कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मिर्जापुर की गद्दी को पाने के लिए उसने अभी कालीन भैया को रेस्क्यू कर लिया
ताकि यहाँ पर कालीन भैया उसके एहसान तले दब जाए और कालीन भैया शरद शुक्ला की गैंग में ऐड होकर मुन्ना की मौत और गद्दी छिनने का रिवेंज ले। तो हाँ यार दोस्तों, ये तो हो गई मिर्जापुर सीजन 2 की पूरी की पूरी एंडिंग। आइए दोस्तों इस छोटी सी क्लिप को थोड़ा पर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्लिप की शुरुआत में हम यहाँ पर गुड्डू भैया को एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर गुड्डू भैया ने अब लंगड़ाना भी बंद कर दिया है। कहने का मतलब गुड्डू भैया पूरे तरीके से ठीक हो चुके हैं और मिर्जापुर पर राज करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और पूरा का पूरा जो बिजनेस है कट्टो का, उन्होंने अपने सर ले लिया है। यहाँ पर कई बिहाइंड द सीन्स की क्लिप देखी जाए जहाँ पर गुड्डू भैया कालीन भैया की मूर्ति को भी तोड़ रहे हैं। तो इस बात से ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि पूरे तरीके से यहाँ पर गुड्डू भैया ने मिर्जापुर पर राज करना सीख लिया है। इसके थोड़ी देर बाद हमको कालीन भैया दिखाई देते हैं जो कि ऑडियंस से पूछ रहे हैं कि कहीं आप हमें भूल तो नहीं गए। तो भाई मैं कालीन भैया से ये कहना चाहूंगा, आपको कौन भूल सकता। खैर इस क्लिप को देखकर मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है कि शरद शुक्ला का उस दिन का जो रेस्क्यू है वो सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर पूरे तरीके से कालीन भैया को उसने ठीक कर दिया है और अब ये चीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि कालीन भैया मुन्ना भैया की मौत का किस तरीके से बदला लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही हमको दो स्कॉर्पियोस दिखाई देती है और उसी चौराहे का सीन बताया जाता है जहाँ पर कि दोनों बाप बेटे की मूर्तियां बनाई गई। वहीं यार कहीं बिहाइंड द सीन्स की क्लिप में हमने गुड्डू भैया को इन मूर्तियों को तोड़ते हुए भी देखा हुआ है। इसके थोड़ी देर बाद ही हमको वाइल्ड गुड्डू भैया दिखाई देते हैं जो कि बहुत सी जगह ऐसा कहा जा रहा है कि इसी मूर्ति को तोड़ने के बाद खुश हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि गुड्डू भैया के चेहरे पर आप कई ब्लड मार्क्स भी देख सकते हैं। तो वो किसी को मारने के बाद ही खुश हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि यहाँ पर मैडनेस का लेवल और एक अप होने वाला है, जैसा कि मैंने आपसे इंट्रो में भी कहा, क्योंकि गुड्डू भैया के चेहरे पर आप एक जुनूनियत देख पा रहे होंगे मिर्जापुर की गद्दी को हासिल करने के बाद। वहीं यार इसकी एक फ्रेम बाद हमको गजगामिनी गुप्ता भी दिखाई देती है जिन्होंने की गुड्डू भैया के इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस को फॉलो कर मिर्जापुर पर राज कर लिया। लेकिन यहाँ पर शायद आप एक चीज भूल रहे हैं कि दद्या त्यागी और बड़े त्यागी के रेडार पर अभी भी गजगामिनी गुप्ता है। इसकी अगली फ्रेम में हमको बड़े त्यागी भी बताए जाते हैं जो कि भाई पूरे तरीके से तैयार है गुड्डू और गोलू को उड़ाने के लिए। वहीं यार मिर्जापुर की गद्दी गुड्डू के नाम हो चुकी है और अब बीना भाभी भी गुड्डू भैया के साथ है। और इस सीन को डिफाइन करने की मुझे आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि यहाँ पर बीना भाभी का ट्रैक रिकॉर्ड हम पहले भी जानते हैं। राजा 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 करे जमे समाजा उठा लो तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। वहीं यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत समय बीत चुका है और शरद शुक्ला के पूरे पूरे बाल आ चुके हैं जो कि हमने सीजन 1 में एक टाइम पर देखे हुए थे जब वो ऐसा कुछ जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बीटेक किया हो। और यहाँ पर हमको एक ईस्टर एग भी दिखाई देता है। शायद दोस्तों सीजन 2 के क्लाइमेक्स के दौरान आपको ये वाली गन याद होगी, ये वही गन है जो कि आज भी शरद शुक्ला लेकर घूमते हैं। वैसे दोस्तों देखा जाए तो माधुरी भाभी भी पूरे तरीके से पावर में आ चुकी है। अब ऐसा लगता है कि वो इन सारी चीजों का एक लीगल बदला लेना चाहती है। तो हायर इस पूरी की पूरी क्लिप को हम ब्रेक डाउन कर चुके हैं। खैर शैतान की एंडिंग वर्ष से इतनी अलग क्यों है, अगर इस बात को जानने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कर आप फटाक से देख सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही 21 धासु वीडियो में। तब तक के लिए बाय।